घुग्गुस ग्राम पंचायत चुनाव का बहिष्कार के बाद घुग्गुस के सभी राजनीतिक दलों ने मिलकर सर्वपक्षीय नगर परिषद स्थापना समिति का गठन किया है। घुग्गुस नगर परिषद बनने की सभी मापदंडों को पूरा कर रहा है, उसके बावजूद भी कुछ प्रशासन व राजनीतिक कारणों के चलते पिछले 27 सालों से घुग्गुस नगर परिषद नहीं बन पा रही है। नगर परिषद की मांग पूरी न होते देख राजनेताओं ने आपसी मतभेद बुलाकर एकता की मिसाल देते हुए सर्वपक्षीय नगर परिषद स्थापना समिति का गठन किया, जिसमें भाजपा, कांग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, बीएसपी, बीआरएसपी, आरपीआई व यंग चांदा ब्रिगेड व सामाजिक संगठनों ने नेतृत्व सहभागी है। सर्वपक्षीय स्थापना समिति ने गुरुवार को 24 दिसंबर को मार्च निकाला, अभी नहीं तो कभी नहीं का नारा लगाते हुए पूरा घुग्गुस शहर को बंद किया गया था। व्यापारियों ने भी तय दिल से समर्थन किया। जो उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भरा था उन्होंने वो भी वापस लिया है। प्रशासन द्वारा जल्द से जल्द नगर परिषद की घोषणा नहीं हुई तो आंदोलन को तीव्र करने की चेतावनी भी सर्वपक्षीय स्थापना समिति ने दी है। या शहरात सर्वपक्षाच्या वतीने प्रयत्न सुरू होते, नगरपालिकेची अधिसूचना निघाली, सोबतच ग्राम पंचायतच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला। आम्ही सर्व पक्षांनी प्रयत्न केले की तात्काळ नगर परिषद व्हावी आणि ग्राम पंचायतच्या निवडणुका या रद्द व्हाव्या, परंतु नगरपालिकेची सूचना काही निघाली नाही आणि ग्राम पंचायतच्या कार्यक्रमाला कालपासून सुरुवात झाली होती। आणि मग या घुग्गुस शहरातले सर्व पक्ष, त्यामध्ये भारतीय जनता पक्ष, काँग्रेस पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, बीआरएसपी, शिवसेना, यंग चांदा ब्रिगेड, बीएसपी, आरपीआय व इतर सामाजिक संघटनांचे सर्व पदाधिकारी हे काल घुग्गुस ग्रामपंचायतच्या प्रांगणामध्ये एकत्र झाले आणि सर्व पक्षांनी एक निर्णय घेतला की यानंतर नगरपालिकेचा लढा हा तीव्र करायचा आणि हा लढा लढण्यासाठी काल सर्वपक्षीय नगर परिषद स्थापना समिति म्हणून अशी एक संघटना तयार करण्यात आली। एनबीसी न्यूज के लिए घुग्गुस से सदन बाबू रेणकुंटा की रिपोर्ट।